मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? समरूप आवेश गोले कोश या चालक गोले का विद्युत विभव, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल एंड कंडक्टिंग स्फीयर। स्फेरिकल शेल मतलब आवेश गोले कोश के कारण विद्युत विभव, कंडक्टिंग स्फीयर यानी आवेश चालक गोले का विद्युत विभव, दोनों को एक साथ करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें देखो एक्स मान रूप से आवश्यक है, तो इस पर क्या है प्लस क्यू चार्ज होगा या माइनस क्यू चार्ज होगा। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एक्स मान रूप से आवश्यक होता है तो उस पर क्या है, वो एक्स मान रूप से आवश्यक होता है तो उस पर क्या है, या तो प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है। गोले के अंदर क्या है चार्ज नहीं होता है, वो उसके पृष्ठ पे आता है, क्योंकि क्या है खोखला गोला होता है उसमें। तो ये पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे समरूप आवेश गोले कोश या चालक गोले का उपयोग। हमारे पास आर त्रिज्या का एक गोले कोश है जिस पर क्या है प्लस क्यू चार्ज है, तो विद्युत विभव क्या है तीन प्रकार से निकलेगा उसमें। पहले तो क्या है कोष के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव, फिर उसके स्तर या पृष्ठ पर विद्युत विभव, फिर उसके क्या है अंदर विद्युत विभव। जब बिंदु कोष के बाहर स्थित हो, फर्स्ट देखो पॉइंट, जब बिंदु कोष के बाहर स्थित हो, वास्तविक को मतलब क्या होते हैं आर ग्रेटर देन स्मॉल कैपिटल आर, ये रेकॉर्ड आएगा। ठीक है, पॉइंट वो है त्रिज्या क्या है कैपिटल आर, आर त्रिज्या का गोले कोश है जिस पर क्या प्लस क्यू चार्ज है। वास्तविक को बिंदु P है, ये क्या है कोश की त्रिज्या तो क्या है R है और प्लस क्यू आवेश है, तो हमें निकालना क्या है जब बिंदु कोश के वास्तविक तो पॉइंट P पर क्या है विद्युत विभव निकालना। तो यार लिखेंगे हम पहले यहाँ पे क्या है कैपिटल आर का मतलब, तो यहाँ पे क्या है कैपिटल आर का मतलब कोश की त्रिज्या, कैपिटल आर का मतलब क्या है कोश की त्रिज्या, ठीक है। कोश की त्रिज्या और क्यू क्या है कोश पर क्या है आवेश, कुल आवेश या आवेश, और प्लस वन क्या है एकांक धन आवेश। पहले तो इसके बारे में लिखते हैं गोले कोश के बारे में, पहले गोले कोश के बारे में लिखते हैं। माना एकांक धन आवेश को देखो, माना एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश का मतलब यहां पे क्या है एकांक धन आवेश है, इसको क्या ड्रॉ करने थे एक बार। माना एकांक धन आवेश को, तो ये पॉइंट इनफाइनाइट से आ रहा है एकांक धन आवेश को। माना क्या है एकांक धन आवेश को अनंत से लिखना क्या है, माना एकांक धन आवेश को अनंत से बिंदु P पर लाया जाता है, तो बिंदु P पर लाने में क्या गया कार्य है उस बिंदु पर विभव होगा, अंतर बिंदु P पर क्या है कुल विभव निकालना है। तो हम लिखेंगे क्या, देखो माना एकांक धन आवेश का, माना एकांक धन आवेश को अनंत से किसी
बिंदु पी पर लाया जाता है। माना एक आंक बनाओ इसको अनंत से किसी बिंदु पी पर लाया जाता है, तो लाने में क्या गया कार्य है, बुलाने में क्या गया कार्य है उस बिंदु पी पर विभव होगा अंतर बिंदु पी पर विभव, अंतर बिंदु पी पर विभव। देखो मैंने क्या लिखा है, हम निकाल रहे हैं जब बिंदु कोष के बाहर स्थित हो, ये कोष के बाहर स्थित है अन्य कोई बिंदु, ठीक है। तो इनफाइनाइट से माना एकांक धन आवेश, यहाँ पे एकांक धन आवेश का मतलब क्या है, प्लस वन, ठीक है। इनफाइनाइट से बिंदु पी पर लाया जाता है, तो इस बिंदु पी पर लाने में क्या गया कार्य है, उस बिंदु पी पर क्या है विभव होगा, अंतर बिंदु पी पर विभव, अंतर बिंदु पी पर क्या है विभव। तो विभव क्या होगा, v बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट क्या होती है इनफाइनाइट से r माइनस e वेक्टर डॉट dr, ये इक्वेशन आ गई e। ये तो बिंदु p पर क्या है विभव आ गया, अब क्या लगेंगे, अंतर विभव आ गया अंतर बिंदु p पर ही क्या है विद्युत क्षेत्र होगा, अंतर चूंकि बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, तो बिंदु P पर क्या है विद्युत क्षेत्र क्या होता है E बराबर KQ अपॉन क्या है आर स्क्वायर। ये तो बिंदु P पर विभव आ गया और ये बिंदु P पर क्या है विद्युत क्षेत्र आ गया, तो E का मान क्या है इक्वेशन टू से इक्वेशन फर्स्ट में क्या है पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन टू इनटू इक्वेशन फर्स्ट, मतलब दो से एक भी मान क्या है पुट कर देंगे, तो v बराबर क्या हो गया इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r, e का मान क्या है माइनस के क्यूब अपॉन r स्क्वायर डॉट dr, ठीक है। तो माइनस के क्यूब क्या है कोस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे, तो v बराबर माइनस के क्यूब बाहर निकल गया, लिमिट क्या होगी इनफाइनाइट से r वन अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी आर, वन अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है चूंकि इंटीग्रेशन वन अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या होता है माइनस वन अपॉन आर, तो ये यहां पुट कर देंगे, तो वी बराबर क्या हो गया के क्यू माइनस का है तो अंदर क्या माइनस वन अपॉन आर, तो लिमिट क्या होगी इनफाइनाइट से आर, तो ये लिमिट रखेंगे पहले आर फिर इनफाइनाइट रखेंगे, तो वी बराबर क्या हो गया माइनस के क्यू यानी माइनस वन अपॉन आर इनफाइनाइट नहीं वन अपॉन इनफाइनाइट, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो वी बराबर क्या आ गया के क्यू अपॉन आर, ये इक्वेशन तीन आ गई। हमें निकालना क्या था, जब बिंदु कोष के बाहर स्थित हो तो बिंदु पी पर क्या विभव निकालना था, तो वो निकल गया वी बराबर KQ upon small r, ये इक्वेशन क्या है तीन आ गई। ये तो बिंदु जब बिंदु कोष के बाहर स्थित हो तब है, अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, जब बिंदु कोष की सतह या पृष्ठ पर स्थित हो, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये तो क्या है जब बिंदु बाहर स्थित हो, अब क्या है यहां पर ये तो इसकी सतह है या पृष्ठ है, तो इस पर क्या है विद्युत विभव का मान निकालना है, ठीक है। जब बिंदु कोष के बाहर स्थित हो, क्योंकि जब बिंदु कोष के बाहर स्थित हो
तो विद्युत विभव क्या होगा? वो तो विद्युत विभव क्या विभव होगा? B बराबर स्मॉल k के ऊपर स्मॉल r, B बराबर k के ऊपर स्मॉल r, जो हमने निकाला है। क्योंकि cos की स्टेप पर स्मॉल r को क्या है, हम कैपिटल r में क्या है चेंज कर देंगे, ओनली सिर्फ जो बिंदु cos की वास्तविक है ना उस पर जो विभव है ना उस फॉर्मूले में हमने हम ओनली सिर्फ क्या है स्मॉल r को क्या है कैपिटल r में रिप्लेस कर देंगे। तो जब बिंदु cos की स्टेप पर उपस्थित हो तो विद्युत विभव होगा, यानी स्मॉल r की जगह कैपिटल r है इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो v बराबर क्या हो गया, k के ऊपर कैपिटल r cos की स्टेप पर उपस्थित विद्युत विभव का मान क्या है मैक्सिमम, ठीक है। ये इक्वेशन आगे 4, ओनली सिर्फ हमें करना है स्मॉल आर को कैपिटल आर में क्या रिप्लेस करना, ठीक है। तो क्या है, जब बिंदु कोश किस पर स्थित हो तो विभव आ गया, जब बिंदु कोश के अंदर स्थित हो, थर्ड पॉइंट, जब बिंदु कोश के अंदर स्थित हो स्मॉल आर लेस देन क्या है कैपिटल आर होगा, तो हम लिखेंगे क्या कोश के अंदर आवेश का मान क्या होता है शून्य यानी जीरो, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा शून्य, और उसके अंदर विभव का मान क्या होगा नियत। अब हम लिखेंगे कोश के अंदर आवेश Q, कोश के अंदर आवेश Q शून्य होता है, अंत विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा, अंत विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा, अंत अंदर विभव, मतलब कोश के अंदर आवेश का मान शून्य होता है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा शून्य, तो अंदर विभव निकालना हमें। ये फॉर्मूला होता है v बराबर इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r माइनस a वेक्टर डॉट dr, तो आवेश शून्य है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा शून्य, यानी e इज इक्वल टू जीरो, और अंदर विभव क्या होगा वो नियत होगा, यानी वी आई इज इक्वल टू नियत। आवेश जीरो है तो विद्युत क्षेत्र में क्या होगा शून्य, तो अंदर आवेश क्या होगा नियत, यह नियत मान क्या है आवेश के रिक्त मान के बराबर अधिकतम मान से अधिक या उसके बराबर होता है, अतः उसके स्तर पर जो मान है ना वो ही मान क्या है कोश के अंदर से विद्युत विभव का मान होगा। अच्छा है यह नियत मान, अतः यह नियत मान विभव के अधिकतम मान के अधिकतम मान के बराबर अर्थात स्तर पर स्थित मान के क्या बराबर होगा, मतलब यह नियत मान के विभव के अधिकतम मान के विभव के अधिकतम मान से अधिक या क्या है स्थिर पर स्थित जो मान है ना उसके मान के क्या है बराबर होगा, मतलब स्थिर यानी प्रश्न पर स्थित जो मान है ना उसके मान के बराबर होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, इसको रिवाइज कर देता हूं मैं।
टाइम 5। अब हमने हमें निकालना क्या था, जब बिंदु कोष के वास्तविक तो विभव का मान निकाल लिया, जब बिंदु कोष के स्थिर या उसके पृष्ठ पर स्थित हो तब विभव का मान निकाल लिया, बीएस बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब थर्ड क्या है, जब बिंदु कोष के अंदर स्थित हो तब विभव का मान, कोष के अंदर क्या है आवेश का मान तो शून्य होता है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या है शून्य होगा, तो अंतर विभव क्या होगा वो नियत होगा, अंतर नियत मान यह नियत मान विभव के अधिकतम मान अर्थात उसके स्थिर पर स्थित विभव के मान के क्या है बराबर होता है, यानी ये आ गया V बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर। यह कोष के अंदर सभी बिंदु पर विभव के मान के एक समान होता है, मतलब कोष के अंदर सभी बिंदुओं पर विभव के मान के एक समान होता है, मतलब प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है सब विभव पृष्ठ निश्चित प्रकार समान होता है, उसी प्रकार ये भी एक समान होता है, ठीक है कोष के अंदर, समझ में आ गया। हम कोष के अंदर विद्युत विभव निकाल लिया और कोष के वास्तविक बिंदु P पर विद्युत विभव निकाल लिया और कोष की स्थिर या उसके पृष्ठ पर विद्युत विभव निकाल लिया, तीनों निकाल लिया हमने, ठीक है। अब क्या हम V एंड R में आलेख या ग्राफ खींचेंगे, आलेख मतलब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो देखो ग्राफ, ये विभव है, विभव यानी V, ठीक है, ये आर, ये सेंटर है, सेंटर से आर दूरी पर, केंद्र से आर दूरी पर, केंद्र से आर दूरी पर, ठीक है। तो ग्राफ खींचने हैं, ठीक है, ये क्या है वीएस, यानी कोष की स्थिर या उसके पृष्ठ पर विभव का मान क्या है सबसे अधिक या मैक्सिमम होता है, तो ये उसकी पृष्ठ आ गई, तो वीएस का मान क्या यहाँ पे क्या इस पॉइंट पे क्या आ गया मैक्सिमम, यानी वीएस बराबर क्या होता है कैपिटल के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्मॉल के क्यू अपॉन कैपिटल आर, यहाँ पे के का मान क्या है 1/4π0 यानी क्यू अपॉन आर गया, ये तो इसका क्या है पृष्ठ पर मैक्सिमम मान आ गया, ठीक है। अब क्या है कोष के वास्तविक बिंदु पर विभव वो क्या था स्मॉल आर के ग्रेटर देन कैपिटल आर, यहाँ पे क्या है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ठीक है, ये पॉइंट है। ये ग्राफ बनाना था, ये क्या है वी और आर में ग्राफ आलेख, मतलब हमने जो इक्वेशन लिखी थी उसके स्थिर या पृष्ठ पर विभव का मान क्या है मैक्सिमम आया था, तो यहाँ पे मैक्सिमम मान होगा विभव का, और यहाँ क्या है उसके सेंटर पॉइंट पर, ये तीनों आ गया, पहले तो ये तीनों पॉइंट आ गए, मतलब कोष के वास्तविक बिंदु पर विभव उसके स्थिर या पृष्ठ पर, ये क्या है कोष के अंदर विद्युत विभव का मान, ठीक है, ये ग्राफ होगा। ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है समरूप आवेश गोले कोष या चालक गोले का विद्युत विभव, ठीक है। तो इसमें क्या है तीन पॉइंट बनाने पड़ेंगे गोले कोष में,
विद्युत क्षेत्र मतलब क्या, कोश के वास्तविक बिंदु P पर विभव निकालना पड़ेगा, फिर उसकी स्थिर को निकालना पड़ेगा, फिर उसके क्या है पृष्ठ को निकालना पड़ेगा, तीनों निकाल लिए, फिर इसको क्या है आलेख से समझाना पड़ेगा। समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कल करेंगे, स्टे होम स्टे सेफ स्टे हेल्दी।